हम बात कर रहे हैं रेफेक्स इंडस्ट्रीज़ की। आज के दिन की बात करें तो स्टॉक में हमको 1% का ऊपर का अपसाइड देखने के लिए मिल रहा है। हम देख सकते हैं इस अपसाइड के साथ स्टॉक फ़िलहाल जो है 155.66 पैसे पर ट्रेड होता नज़र आ रहा है। जब गिरावट आई थी और बाउंस बैक किया था, हमने डिस्कस भी किया था इस हाई को मेजर रेजिस्टेंस के तौर पर 160 के लेवल को। देख सकते हैं स्टॉक ने वहीं तक का जम दिखाया और उसी लेवल से रिजेक्शन फेस किया है, लेकिन इस रिजेक्शन के साथ अपना ये जो लो था जहाँ से सपोर्ट लेकर बाउंस बैक किया और 160 तक के टारगेट दिखाए, कौन सा लेवल 150 का लेवल, इसको नीचे की ओर ब्रेक डाउन नहीं किया है, इसके ऊपर ही स्टॉक काम करता नज़र आ रहा है। मतलब यहाँ से बड़ा सेलिंग नहीं दिखा रहा है रिफिक्स। जो पिलर्स 125 के लेवल पर इंटर हुए हैं, 160 की रैली, इतनी बड़ी रैली के बाद भी बने हुए, और यही वजह है कि हमको बड़ा सेलिंग नहीं देखने के लिए नहीं मिल रहा। बड़े पिलर्स एग्जिट के लिए तैयार नहीं है, मतलब यहाँ से ब्रेकआउट की तैयारी रिफिक्स की चल रही है। यहाँ से रिफिक्स हमको ब्रेकआउट दिखा सकता है। नीचे की ओर 150 इमीडिएट सपोर्ट और तगड़ा सपोर्ट रहेगा 140 का लेवल, जहाँ मल्टीपल्स टाइम स्टॉक सपोर्ट लेते हुए भी नज़र आया है। तगड़ा सपोर्ट है 140 का लेवल। बात करें टारगेट की तो 160 इमीडिएट टारगेट है, इसी लेवल पर नज़र रखना है। अगर इसको ब्रेकआउट कर गया तो अगला टारगेट 164, इसके ब्रेकआउट पर 170 से लेके 180 तक के टारगेट फिर रिफिक्स हमको दिखा सकता है। फिर रिफिक्स में 180 का जो लेवल है इसके रेजिस्टेंस का काम करेगा, यहाँ तक का जंप 180 तक का जंप रिफिक्स हमको दिखा सकता है। वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए, कोई बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं है। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो।